नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीची कास धरून भविष्यातील आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी सक्षम असणारे आधुनिक शैक्षणिक धोरण या अत्यंत महत्वाच्या विषयावर विचार मंथन करण्याकरता 30 नोव्हेंबर 1 आणि 2 डिसेंबर रोजी त्रिदिवसीय आंतरराष्ट्रीय प्राचार्य शिक्षण परिषदेचं आयोजन द साऊथ पब्लिक स्कूल ओंकारनगर नागपूरच्या वतीने चिटणवीस सेंटर हिस्लॉप कॉलेजजवळ सिव्हिल लाईन्स नागपूर येथे करण्यात आले. आज या अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. या परिषदेला गुजरात, मुंबई, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तसेच इतर शहरातील नामवंत शाळांचे 400 जवळपास प्राचार्य उपस्थित झाले होते. या आयोजनात चीफ गेस्ट म्हणून IIM डायरेक्टर डॉ भीमराय मैत्री, गेस्ट ऑफ वर म्हणून बिट्स पिलानीचे डायरेक्टर डॉ सुधीर कुमार वायरई, सनफ्लॉर अँड टाईटची पब्लिकेशनचे MD डॉ राजेश घई, द साऊथ पब्लिक स्कूलचे डायरेक्टर देवेन दस्तुरे आणि हितवादा वर्तमानपत्राचे संपादक विजय फणशीकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. गुड आफ्टरनून, आय एम डॉक्टर मृणालिनी दस्तुरे. आय एम प्रिन्सिपल ऑफ दी साऊथ पब्लिक स्कूल फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स. इट मीन्स आय एम फाऊंडिंग प्रिन्सिपल ऑफ दी स्कूल अँड आय एम प्राऊड कन्व्हेनर ऑफ दिस इंटरनॅशनल प्रिन्सिपल्स एज्युकेशनल कॉन्फरन्स फ्रॉम लास्ट 16 इयर्स. कन्व्हेनर ऑफ इंटरनॅशनल प्रिन्सिपल्स एज्युकेशनल कॉन्फरन्स, 8th एडिशन ऑफ इंटरनॅशनल प्रिन्सिपल्स एज्युकेशनल कॉन्फरन्स विच हॅज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आज के इस परिषद का उद्घाटन समारोह आज सुबह हुआ है. डॉक्टर भीमराय मैत्री जो IIM नागपुर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार बारई जो बिट्स पिलानी के डायरेक्टर हैं, ये दोनों हस्तियों के प्रेजेंस में आज का ये इनॉग्रल सेरेमनी हुआ है, संपन्न हुआ है. इसके पश्चात डॉक्टर सुधीर कुमार बारई, इनका की नोट एड्रेस था. उसके पश्चात मिस्टर विजय फणशीकर, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थीम एक्सप्लेन की जो कि न्यू सॉन्ग विथ ओल्ड कॉम्पोजिशन है. ये कॉन्फ्रेंस में प्राचीन शिक्षा पद्धति और आज के शिक्षा पद्धति में जो ब्लेंड है, उस ब्लेंड की सविस्तर चर्चा हम लोग करने वाले हैं. अभी आलोक शिवड़े जी का एट प्रेजेंट जो सेशन चल रहा है वो एस्थेटिक इन इंसेक्ट्स इस विषय पर है. जब हम प्राचीन शिक्षा की बात करते हैं उस समय हम पंचतत्व तथा जंगल तथा प्राणी तथा इंसेक्ट सबकी पूजा करते थे और जिनको हम पूजते हैं उनको हम हार्म नहीं कर सकते, उनका हमने प्रिजर्व करना चाहिए. उसी का एक एक्सटेंशन मतलब आज आलोक शेवड़े जी का सेशन है. इसके पश्चात सेशन होगा कन्वेनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस यानी मेरा, हाउ टू स्क्रिप्ट द नचिकेता अवार्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस. उसके पश्चात रीना दरगन मैडम जो कि फॉर्मर एंड फाउंडिंग प्रिंसिपल है इरा इंटरनेशनल की, उनका सेशन होगा. और उसके पश्चात 13 प्रिंसिपल्स के प्रेजेंटेशन होंगे. कुछ प्रकार ऐसा ही पावर पैक स्केड्यूल हमारा कल जाएगा. कल की शुरुआत अनुराधा जी पाल, इनके तबला परफॉर्मेंस से होगी. शी इज़ द तबला मास्टरो एंड शी इज़ डिसाइपल ऑफ पंडित अल्ला रखा एंड शी इज़ गुरु बहन ऑफ जाकिर हुसैन. सो दैट तबला मास्टरो विल बी लैंडिंग टुडे एंड टुमोरो वी आर हैविंग हर सेशन, फॉलोड बाय सेशन बाय डॉक्टर एस नीलकंठन एंड मुक्ता चटर्जी, मिस्टर CB शेखर हु इज़ फ्रॉम सीप एंड हु हैज़ इमर्ज्ड एज द मेन कोलैबोरेटर फॉर द कॉन्फ्रेंस. एंड देन आफ्टर वी विल बी हैविंग पेपर प्रेजेंटेशन सेशन. की फीचर ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज द नचिकेता अवार्ड विच विल बी कॉन्फरिंग ऑन 3rd डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट द हैंड्स ऑफ नितिन जी गडकरी. इन द सेम वैलिडिटी फंक्शन वी विल बी गिविंग सुपर नचिकेता अवार्ड ऑल्सो. वी हैव गिवन नचिकेता सर्वोत्तम नचिकेता पुरस्कार टू स्टॉलवर्ड्स टुडे, डॉक्टर भीमराय मैत्री एंड डॉक्टर सुधीर कुमार बारई. एंड टुमोरो विल बी गिविंग सेम पुरस्कार टू डॉक्टर एस नीलकंठन. इस परिषद के लिए भारत भर से प्रिंसिपल्स आए हैं. महाराष्ट्र के बाहर की अगर मैं बात करूंगी तो गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, जेवार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बेंगलोर से हैं, देन चेन्नई से हैं. ऐसी सारी जगह से प्रिंसिपल्स यहां पर आए हैं और मैं आशा करती हूं एज अ कन्वेनर ऑफ दी कॉन्फ्रेंस की यहाँ से जाते समय बहुत सारी चीज़ें वो लेकर जाएंगे. उद्देश्य कॉन्फ्रेंस का ये है कि अच्छा काम जो बच्चों के लिए किया जाता है वो सब जगह फैलना चाहिए. वी शुड स्प्रेड द वर्ड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वर्ड फॉर द चिल्ड्रन. सो से एक प्रिंसिपल के स्कूल में ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ते हैं तो 1500 बच्चे होते हैं.
यहाँ हमारे पास लगभग 350 प्रिंसिपल्स का गैदरिंग है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस परिषद के द्वारा कितने सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। यही उद्देश्य के साथ इस परिषद का यहाँ पर आयोजन किया है। आप सबकी बेस्ट विशेष चाहती हूँ और इस परिषद से सारे प्रिंसिपल्स को बहुत सारा टेक अवे मिले, ऐसे ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हुए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मी देवेंद्र दस्तुरे, या इंटरनॅशनल प्रिंसिपल्स एज्युकेशनल कॉन्फरन्समध्ये पॅटर्न म्हणून जबाबदारी आहे आणि आजपासून हे 3 दिवसाची कॉन्फरन्स सुरू झालेली आहे इथे फडणवीस सेंटरला। या ठिकाणी संपूर्ण भारतातून वेगवेगळ्या शाळांचे प्रिंसिपल या ठिकाणी आलेले आहेत आणि एक प्रकारचं या ठिकाणी चिंतन आणि मंथन सुरू आहे एज्युकेशनच्या वेगवेगळ्या विषयांवरती आणि त्याच्यामध्ये नवीन नवीन आस्पेक्ट समोर आलेले आहे। इव्हन फोटोग्राफीपासून की मुलांना आपण काय काय शिकवू शकतो, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी आणि आर्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने, की जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा मुख्य उद्देश। तर या निमित्ताने सगळेजण या ठिकाणी आलेले आहेत। आपणही इथे आले त्याबद्दल आपला विशेष धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्तुति वैष्णव है और मैं वडोदरा से आई हूँ। मैं माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की प्रिंसिपल हूँ और आज यहाँ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 8वीं है वहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे भारत भर के प्रिंसिपल्स हैं और बहुत ही एनलाइटिंग सेशंस हो रहे हैं जिसका टॉपिक है न्यू सॉन्ग विद ओल्ड कंपोजिशन। तो एजुकेशन सिस्टम को हमें किस तरह से बदलना है जहाँ से अपने रूट्स वही रहे पर नई टेक्निक्स हो, नए इनोवेशंस हो और बच्चों को हम एक होलिस्टिक एजुकेशन दे पाए, उस विषय पर बहुत सारी चर्चा आज हुई है, कल होने वाली है और हम सब मिलके एजुकेशन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सके, वही हम सब प्रिंसिपल्स का यहाँ पे प्रयास है। IPC कॉन्फरन्स 2023 या कॉन्फरन्सला मला बोलवण्यात आलं। मी बुलढाण्याचा आहे, प्राध्यापक आलोक शेवडे, आणि बुलढाण्याला ज्युनियर कॉलेजमध्ये एक लेक्चरर होतो इंग्लिशचा आणि त्याच्यानंतर VRS घेतली आणि गेल्या 15 वर्षांपासून मी कीटक छायाचित्रण करतो आहे। या कीटक छायाचित्रणातून हॉबी म्हणून सुरू केलेलं छायाचित्रण जेव्हा संशोधनाकडे वळलं तेव्हा मला त्याचं खरं महत्त्व पटलं। आज बुलढाण्याच्या जंगलातल्या जवळपास 325 प्रजातींचा मी अभ्यास केला आहे व्हिडिओग्राफिकली सुद्धा, पण त्याचं जे वर्तणूक असते, पूर्ण लाईफ सायकल असते, ती कव्हर करायचा प्रयत्न केला आहे। आणि आज माझं सद्भाग्य होतं की एवढ्या मोठ्या सुंदर अशा कॉन्फरन्समध्ये मला हे सगळं प्रेझेंट करायला मिळालं। इथलं आयोजन आणि इथलं ऑडियन्स, इथलं सगळं काही इतकं अप्रतिम आहे की ते फील मी कधीच विसरणार नाही। एक अप्रतिम अनुभव, जीवनानुभव असं मी म्हणेन हवं तर, तो मला आज इथे मिळाला। मी एक स्टुडंट म्हणूनच इथे आलेलो आहे। जरी मी काही गोष्टी प्रेझेंट केल्या तरी त्या प्रेझेंट केल्यानंतर बाकीच्यांच्या प्रेझेंटेशन म्हणून मी शिकतो आहे याच्यात की बऱ्याच गोष्टी आपल्याला शैक्षणिकदृष्ट्यासुद्धा विचार करण्याची गरज आहे। आणि मला वाटतं आजची जी कॉन्फरन्स आहे, ज्या ठिकाणी माझं एक छोटंसं प्रेझेंटेशन मी देऊ शकलो, एक सौंदर्य दृष्टिकोन मी या शिक्षणामध्ये आणायचा प्रयत्न करतो आहे, त्याला आज कदाचित एक नवी वाट नक्की मिळेल। ती सौंदर्य वाट इथे रुजेल आणि याचा वटवृक्ष आगामी काळामध्ये सगळ्या भारतभरात आपल्याला दिसेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिकच नाही तर सौंदर्यदृष्टीसुद्धा विकसित झालेली आपल्या सर्वांना मिळेल। सर्वांच्या शुभेच्छांसह मी आता ते सगळं फळ घेऊन बुलढाण्याला परत जातो आहे। मला अत्यंत आनंद आहे आणि महत् भाग्य आहे माझं की मी आजच्या या प्रेझेंटेशनमध्ये उपस्थित राहिलो, या सेमिनारला, या कॉन्फरन्सला उपस्थित राहिलो। धन्यवाद। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र, पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात। नमस्कार। गहनों से ऐसे सजे सजाए, सबसे आकर्षक मुझे बनाए, रेणुका ज्वेलर्स के गहने ऐसे सबके दिलों को जीत जाए। रेणुका ज्वेलर्स, रेणुका, रेणुका ज्वेलर्स। रेणुका ज्वेलर्स 1998 से गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए सबसे विश्वसनीय नाम। अमन इम्पीरियल नियर अनंत नगर बस स्टॉप।